नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का। बूंदी जिले के हिंडोली किशोरपुरा टोल प्लाजा पर भी रात से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले कई दिनों से चल रहे ड्राई रन के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा था। इसके बाद किशोरपुरा टोल प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग से जोड़ दिया है। अब वाहन में फास्टैग न होने पर यहां से जाने वाले वाहन चालकों को डबल टोल देना ही होगा। हालांकि सभी बैंक की शाखाओं ने टोल पर 24 घंटे फास्टैग की सेवा दे रखी है। फास्टैग अनिवार्य की अनिवार्यता के कारण जिन वाहनों में फास्टैग नहीं था उनकी कतारें यहां लगी रहीं। राजसमंद के भीम में अवैध शराब धरपकड़ अभियान के तहत एक कंटेनर से अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भीम थाने के 40 मील चौराहे पर नाकाबंदी की थी, लेकिन पुलिस ने जब नाकेबंदी के दौरान कंटेनर को रुकवाया तो कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ वहां से भाग निकला, जिसके बाद भीम पुलिस ने थाने के पास नाकेबंदी के दौरान कंटेनर चालक को कंटेनर सहित पकड़ा और तलाशी के दौरान उसमें से अवैध शराब जब्त की गई। चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। अवैध शराब की कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। थानाधिकारी महोदय गजेंद्र सिंह जी राठौड़ एवं थाने का स्टाफ था कि मुखबिर की सूचना मिली कि ताल की तरफ से एक कंटेनर आ रहा है जिसमें अवैध रूप से शराब हो सकती है। इस पर उक्त कंटेनर की नाकाबंदी की गई, मगर कंटेनर नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला, जिसका भीम थाना पुलिस SHO साहब द्वारा पीछा कर थाने के बाहर नाकाबंदी करवा कर रुकवाया गया और उसकी तलाशी ली गई। तो उसमें प्लास्टिक के कुल 43 कट्टे मिले सफ़ेद, जिसमें 170 कार्टून अंग्रेजी शराब के पाए गए। जोधपुर जिले की बोरुंदा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित दो अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी चैन प्रकाश ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 245 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला। साथ ही गाड़ी में दो तस्कर सवार थे और एक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पुलिस थाना पीपार सिटी को सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, लेकिन सूचना मिली कि वो एक खाई में गिर गया है, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। भरतपुर के कामा से खबर है, बाइक सवार दो लोगों के साथ फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक ने कामा थाना पुलिस से गुहार लगाई। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ राजाखेड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर नाबालिग के पर्चा बयान ले लिए हैं। डूंगरपुर जिले के रामगढ़ निवासी युवक का अपहरण कर प्रताड़ित करने के मामले में दोवड़ा थाना पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोवड़ा थानाधिकारी बंशीलाल ने बताया कि
इटालीपाल के कुछ लोग रामगढ़ निवासी युवक का अपहरण कर लेकर गए थे। वहां उससे गंजा कर महिला के कपड़े पहनाकर उसे प्रताड़ित करते हुए वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर दोवड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में 5 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं अब 2 और आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां गैस एजेंसी के 4,76,000 रुपए लेकर फरार हुए आरोपी ड्राइवर प्रमोद कुमार को पुलिस ने धारूहेड़ा से गिरफ्तार किया है। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 13 फरवरी को आरोपी प्रमोद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुआ था। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को हरियाणा के धारूहेड़ा से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से 4,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। कि 4,76,000 रुपए लेकर के हमारा ड्राइवर को उसको मैनेजर को संभलाया था जमा कराने के लिए। गाड़ी जो ड्राइवर थी वो प्रमोद था, मैनेजर ओम प्रकाश था, दोनों लेकर के गए। एटीएम पर भीड़ थी तो उसने ड्राइवर को कहा कि तू ये बैग रखा है, अपने पैसे हैं, मैं 2 मिनट में भीड़ खत्म होने दे, मैं बाहर देख के आता हूँ। वापस आया तो पैसे लेकर के गायब हो गया। ड्राइवर प्रमोद गाड़ी छोड़ करके पैसे लेकर के गायब हो गया। उसके बाद में उसने मुकदमा दर्ज करवाया तो ड्राइवर की पत्नी ने धारूड़ा जाकर के उसको गुमशुदगी दर्ज करवाने के प्रयास किए कि साहब मेरा पति तो गुम हो गया, मेरे से भी कोई संपर्क नहीं है। हमने उसकी तलाश में दबिश दी थी रेवाड़ी, धारूहेड़ा, और आज मालूम पड़ा दोपहर में कि वो धारूहेड़ा में घूम रहा है। तो आज इस इतला पर जाकर के हमने उसको बाड़मेर के सिंधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर बस और कंटेनर के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सिंधरी के राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मेगा हाईवे पर लोहिड़ा गोलाई के पास बस और कंटेनर की आमने सामने से भिड़ंत हुई। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां बलवंता गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार और पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप सवार 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि हादसे के चलते सड़क पर जाम लग गया, ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड कर यातायात सुचारू करवाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 7 एसडीएम के पास टेम्पो और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार पिता व उसके 2 पुत्र घायल हो गए। आपातकालीन सेवा 108 की मदद से सदर पुलिस ने घायलों को ट्रोमा सेंटर पहुंचाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया। भरतपुर की बयाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में 18 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस कोतवाली प्रभारी मदनलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी डुमरिया गांव निवासी प्रकाश चंद गुर्जर है। साल 2002 में पानी भरने को लेकर हुए विवाद ने खूनी जंग का रूप ले लिया था, जिसमें लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई थी। इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर एक शातिर को गिरफ्तार किया है। इसके लिए आरोपी ने कई बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी की है। फिलहाल नीमका थाना सदर पुलिस के पास 3 मामले दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कई पीड़ित थाने पहुंच रहे हैं। पुलिस का मानना है कि जिस तरह से पीड़ित थाने पहुंच रहे हैं उससे कई दिनों से वारदात करने की जानकारी मिल रही है। थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि आरोपी लुधियाना में मिलिट्री कैंटीन चलाता है और वो यहाँ परिवार के साथ रहता था। कुछ लोगों ने ठगी होने की शिकायत की थी। इसके बाद जांच करने पर पाया गया कि उसने लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की। दिल्ली में सीबीआई भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भरतपुर जिले के कामा में एक दिन पहले हुई 1,70,000 की लूट का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को खुद पिकअप चालक आसिफ मेव ने मनगढ़ंत रचा था, साथ ही उसके घर की अलमारी से रखी गई लूट की रकम भी हासिल हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि घटना को खोलना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले चालक आसिफ ने मालिक वैभव जैन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रुपए मांगे थे, जिस पर वैभव ने रुपए देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर चालक वैभव जैन के साथ बड़ी वारदात करना चाहता था, लेकिन सहयोग न मिलने पर उसने खुद ही इस घटना को अंजाम दिया। जीप चालक के पुत्र सत्तार ने बताया कि कामा से जुरहरा के लिए गाड़ी लेकर गुड़ खरीदने जा रहा था। इसके लिए मालिक ने 1,70,000 रुपए दिए थे, लेकिन चालक ने अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाश की ओर से खुद के पास मौजूद रकम लूटने की वारदात की जानकारी दी थी। वैभव जैन जो खमा के रहने वाले हैं, उनका ड्राइवर पिकअप लेकर, जो ड्राइवर का नाम आसिफ है, वो गुड़ खरीदने के लिए यहाँ से कामा से जुरेरा की तरफ जा रहा था। तो जुरेरा के और कामा के बीच में गुरेरा के पास उसको कोई मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिलों पर अपाचे पर 4 अज्ञात जनों ने उसको रोक लिया। रोक कर उसको जो है उससे जो है रुपए छीन कर ले गए, जो कि अमाउंट 1,70,000 रुपये बताई थी, जो कि वो गुड़ लेने के लिए जाना बता रहे थे। जिस पर मुकदमा नंबर 60/21 थाना जुरेरा में दर्ज किया गया, और दर्ज किया जाकर जब सूचना मिली तो तुरंत सीओ कामा, SHO जुरेरा व अन्य के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई और टीम पे जो है ये कहा गया भी तुरंत जो है इसको गहनता से मौके को देखकर समझकर कार्रवाई। टोंक के देवली में जैन आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए, जिसके बाद स्वस्ति भूषण माता जी ने जहाजपुर चुंगीनाका से शहर में मंगल प्रवेश किया। श्रद्धालुओं ने पाद प्रक्षालन कर उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही जुलूस के रूप में उन्हें जैन मंदिर लेकर गए। इस दौरान शोभा यात्रा में महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। शोभा यात्रा के जैन मंदिर पहुंचने के बाद कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। ऐसे में आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी ने श्रद्धालुओं को प्रवचन भी दिए। जानीवाड़ा के खेल मैदान पर जालौर महोत्सव का आगाज ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वही रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों को जालौर महोत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक अनोखा उत्सव है जो जालौर जिले के हर हिस्से में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही ये महोत्सव जालौर की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका भी देता है। टोंक के निवाई में बजरंग दल की ओर से दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। बजरंग दल के सैकड़ों सदस्यों ने मोटरसाइकिल पर आक्रोश रैली निकाली। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक राहुल जायसवाल ने कहा कि पुलिस
इस मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने पुलिस पर हत्यारों को बचाने के आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने रिंकू शर्मा की हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की भी मांग की। इसके बाद इस मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीओ को भी ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में हरमाड़ा स्थित भूरा टिब्बा कच्ची बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में अन्नपूर्णा लोक सेवा शिक्षण संस्थान और द सुखम संस्था की ओर से बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी का महत्व भी बताया गया। बच्चों को फल और भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था की संस्थापिका सोनाक्षी वशिष्ठ के अलावा दीपा रामचंदानी, चैताली सेन गुप्ता और श्रुति लूथरा उपस्थित रहीं। ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमने रखा है अन्नपूर्णा लोक सेवा संस्थान की तरफ से और दी सुखम काउंसलिंग सर्विसेज की तरफ से। ये बच्चों को हम खाना खिला रहे हैं। आज के दिन बसंत पंचमी का दिन है तो पीला भोजन, और ऐसा हमारा टारगेट है कि पीला कुछ इनको खिलाएं और बसंत पंचमी का महत्व समझाएं कि बसंत पंचमी का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। सरस्वती पूजा, सरस्वती माता की पूजा की जाती है, विद्या प्रदान की देवी हैं वो, तो उस हिसाब से बच्चों को हम समझाने और देखने के लिए आए हैं कि इनको खाना भी खिलाएं और इनको सरस्वती पूजा का महत्व भी बताएं। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में डेकोरेशन भी किया गया। मां सरस्वती की पूजा कर बालिकाओं ने मां सरस्वती की आरती भी उतारी। टीचर्स ने बच्चों को बसंत पंचमी के पर्व को लेकर भी जानकारी दी। इसके अलावा बच्चों ने बसंत पंचमी के पर्व से जुड़े गीत भी गाए। भरतपुर की डीग की ग्राम पंचायत सामई के ग्राम उंगरा के चारागाह की 130 बीघा जमीन पर सरपंच द्वारा हरे पेड़ों की कटाई को लेकर मामला गर्मा गया है। पूर्व सरपंच ने इस मामले की शिकायत संभागीय आयुक्त को भी दी है। पूर्व सरपंच का आरोप है कि लकड़ी को यूपी में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। संभागीय आयुक्त से शिकायत के बाद उप जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को मौके पर भेजकर ठेकेदार को भी पाबंद किया। वर्तमान सरपंच का कहना है कि उक्त मामले में ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर टेंडर किए गए थे, जिसका 1,71,000 की राशि ग्राम पंचायत में जमा कराई गई है, जबकि चारागाह भूमि कटाई के बाद पैमाइश करने का भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। तो ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा बिना विज्ञप्ति के, बिना कोई कलेक्टर साहब की परमिशन के, बिना एसडीएम साहब की परमिशन के, कोई प्रशासन के बगैर अपनी ही मनमर्जी से जिस ठेकेदार से हमने बात की वो यूपी का है, यूपी में ले जा रहा है लकड़, कम से कम 2,000 मन ले जा चुका है, सभी पेड़ों को काट रहा है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के पाटन थाने के मावंडा के डूंगरवास की ढाणी में 6 महीने का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। उन्नीस फरवरी को जयपुर के कोटखावदा में विशाल किसान महापंचायत होगी। इस महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी, साथ ही कानून की खामियों को उजागर किया जाएगा। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस वार्ता में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के निर्देश पर किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल होंगे। सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रदेश दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जब हम कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता अपने झंडे लेकर गए थे, उस समय भी बॉर्डर के ऊपर कुछ पत्रकार साथी या कुछ बीजेपी के साथी या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी
इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि किसानों को डायरेक्ट इस आंदोलन में सक्रिय नहीं होना चाहिए। उस समय भी प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग थी, उस समय भी कहा था कि हमारे को इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों का भरपूर सहयोग देने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में वहां जाना चाहिए। कारण उसका कि वहां पर आंदोलन के अंदर मैंने देखा, जो महसूस किया कि वहां पर कुछ आरएसएस के लोग भी वहां आंदोलन के अंदर थे। हमारे यहाँ जब किसान साथी थे, विशेषकर सांजापुर की बॉर्डर की बात करना चाहता हूँ। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गार्गी पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर 36 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं बालिका प्रोत्साहन के तहत 22 बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरपंच हमली देवी माली रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।